मंदसौर जिले के सुवासरा में मतदान केंद्रों का मंदसौर कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव और एसपी मनोज सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में करीबन 11 मतदान केंद्र देखे गए और देखा गया कि यहां पर मतदान करने के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, विकलांगों के आने जाने की व्यवस्था है कि नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए सुवासरा में कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और बताया गया कि अगर यह व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम आगे भी निरीक्षण कर सकते हैं। देखिए, अब निर्वाचन की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और 28 नवंबर को मतदान है। सुवासरा में हमारे 12 मतदान केंद्र हैं, 11 मतदान केंद्र हैं और मैं और एसपी साहब पूरे जिले में सभी मतदान केंद्रों में जितने संभव हो रहे हैं उतना निरीक्षण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य दो है, एक तो हम लोग मतदान केंद्रों को इस तरह से बनाएं कि मतदाताओं को सारी सुविधाएँ मिले, वो आएँ तो उनको छाया मिले, पानी मिले, बैठने की व्यवस्था मिले। और दूसरा उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनमें हम पुलिस व्यवस्थाएं किस प्रकार से करें कि लोग निर्भय होकर अपना निष्पक्ष होकर मतदान कर सकें। एक उद्देश्य और है कि हमारे जो मतदान दल आते हैं उनकी भी रुकने की पर्याप्त व्यवस्थाएं होना चाहिए। कुछ हम लोग ऐसे है कि विकलांग जो मतदाता आते हैं उनको पूरी व्यवस्थाएँ होना चाहिए और ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। जहाँ कोई कमी समझ में आ रही है उसके लिए निर्देशित कर रहे हैं अपने अधिकारियों को।